आदित्यनाथ जी की ठोको नीति उत्तर प्रदेश के थाने थाने में चल रही है, जेलों में चल रही है। और ये मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा और आंकड़ों सहित कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के थाने आदित्यनाथ जी के राज में हिटलर के यातना गृह बन गए। और मैं पिछले 3 साल का आंकड़ा बता रहा हूं, कस्टडी में होने वाली डेथ 1318 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कस्टडी में डेथ, पुलिस हिरासत में डेथ का मामला, मौत का मामला, हत्या का मामला उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये मैं कुछ आंकड़े आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये 18 फरवरी 2020 को देवेंद्र कुशवाहा, इसको ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर मार दिया गया। ये 21 फरवरी 2020 को विवेक कुमार वर्मा लखीमपुर खीरी में थाने के अंदर मार दिया गया। 10 मार्च 2020 को सितार सिंह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। अनिल कुमार 35 साल का नौजवान 20 मार्च 2020 को कन्नौज के अंदर पीट के मार दिया गया थाने के अंदर। मिठाई लाल रानीगंज प्रतापगढ़ में 13 जून 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। मोहित कुमार 19 साल का दलित समाज का बच्चा 29 अगस्त 2020 को लालगंज पुलिस थाने के अंदर रायबरेली में पीट के मार दिया गया। वाजिद अली श्रावस्ती में 4 सितंबर 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। शमशेर गाजियाबाद में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। सूरज पांडे 22 साल का नौजवान 12 नवंबर 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया उन्नाव में। विद्याराम यादव बदायूं के अंदर थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। ये सोमदत्त खुर्जा डिस्ट्रिक्ट थाने के अंदर पीट के मार दिया गया बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। अभिषेक थाने में पीट के मार दिया गया मऊ डिस्ट्रिक्ट का मामला है। रोशन लाल लखीमपुर खीरी का मामला है, 22 साल का लड़का 31 मार्च 2020 को थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। निशु चौधरी 21 साल का नौजवान जालौन डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। पिंटू दिवाकर 25 साल का नौजवान फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। प्रभास तिवारी हरगांव पुलिस स्टेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट 25 साल का नौजवान, ये थाने के अंदर पीट के मार दिया गया। और ऐसी तमाम लिस्ट है, ये 2019 की लिस्ट है। पिछले 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 1318 लोगों की मौत, हत्या थाने के अंदर, जेलों के अंदर, हिरासत के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में कर दी गई। किसी भी प्रकार की जवाबदेही सरकार की नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें नाम आप पढ़िएगा जो सरकार हिंदू मुसलमान करती है, नामों को आप पढ़िएगा, इसमें ज्यादातर पिछड़े समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में पीट पीट के मारा गया है। दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को पीट पीट के उनकी हत्या की गई। हिंदू मुसलमान का खेल करते हैं ये। जितने नाम पढ़े मैंने, कितने इसमें हिंदू है, कितने मुसलमान है, आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए इसका। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री होकर चारों तरफ आप जहर फैलाते रहते हैं। हिंदुओं के बच्चों को, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को पकड़ पकड़ के थानों में मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, कौन जवाब देगा इसका? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सारी कस्टडी में हुई डेथ की जांच कराई जाएगी, सीबीआई से जांच कराई जाएगी और इन तमाम दोषियों को, गुनहगारों को जेल के सीकचों के पीछे भेजा जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। अभी जो ताजा मामला हुआ है उसको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी FIR दर्ज नहीं था, फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। इंद्रकांत त्रिपाठी गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, SSP ने उनकी हत्या करवा दी, SSP फरार है पाटीदार। मनीष गुप्ता व्यापारी पीट के पुलिस वालों ने मार दिया गोरखपुर में। अरुण वाल्मीकि आगरा में सफाई मजदूर पीट के थाने में पुलिस वालों ने मार दिया। अल्ताफ कासगंज में पीट के थाने के अंदर पुलिस वालों ने मार दिया। और अभी कानपुर का मामला आया, कल्याणपुर क्षेत्र का, वहां पर जितेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक नौजवान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और पीट पीट के उसको मार देती है। तो आज मैं मांग करता हूं सभी इन मामलों की CBI के द्वारा जांच की जाए, 1318 कस्टोडियल डेथ की जांच की जाए और इसमें जो जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे मामले एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित ठोको नीति का नतीजा है। ये थाने थाने में ठोको नीति चल रही है उत्तर प्रदेश। तो एक विषय तो ये था कि कानपुर में भी जितेंद्र श्रीवास्तव के मामले में जो लोग शामिल हैं उसकी पूरी गहनता से जांच कराई जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नंबर एक, जितने भी ये 1318 में कस्टोडियल डेथ हुई है इसके लिए एक CBI इंक्वायरी कराई जाए और जो भी इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनको जेल के सिकचों के पीछे होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की मांग है।